स्वागत है दोस्तों आपका एस एस मार्केट न्यूज में। बड़ी घोषणा, 20 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज के बाद उस पर आज विस्तार से चर्चा की गई है। इसकी घोषणा दोस्तों कल ही कर दी गई थी, लेकिन आज वित्त मंत्री के द्वारा इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। और आपको बता दें किन किन सेक्टर को ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आपको पता चल गया होगा, लेकिन इस खबर को आज विस्तार से जब इसको बताया गया है तो ये खबर काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर हाईलाइट हो चुकी है और सबकी जो मार्केट की नज़रें इसी पे जुड़ी हुई है। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो 14 अलग अलग यहाँ पे इनको सेक्टर में इनको बांट दिया गया है कि कहाँ किन 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 को कितना कितना फ़ायदा मिलने वाला है। और आपको बता दें कि सेक्टर इसी खबर के दम पे मार्केट में आज ज़बरदस्त बाउंस पिक देखने को मिला है। और यानी कि बैंक निफ्टी 1100 प्लस में खुला था और निफ्टी भी आप देख सकते हैं 400 पॉइंट के लगभग प्लस में खुला था। फिर भी अपन अगर इसकी देखें तो इसकी क्लोजिंग ठीक ठाक सामने देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, फटाफट मैं आपको यहाँ पे मोबाइल को रोटेट करके इसको आपको जो फटाफट जो मेन मेन पॉइंट आपको मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि मेन मेन पॉइंट कहाँ कहाँ है। कि तो यहाँ पे जो मेन मेन पॉइंट इसमें अपन नंबरिंग से अपन ले लेते हैं कि कहाँ का कौन कौन से सेक्टर को आपको यहाँ पे फ़ायदा ज़्यादा दिया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ा दी गई है और टैक्स पेयर टैक्स 31 मार्च 2021 तक TDS कटौती में जो 25% की छूट क्या है अपन नीचे देख लेते हैं, क्या यहाँ पे 25% की राहत मिली है। उसके अलावा यहाँ पे अपन छोटे छोटे जो मेन टॉपिक को देख ले, रियल एस्टेट में यहाँ फायदा दिया गया है, केस की दिक्कतों का सामना क्लियर कर दिया गया है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और छोटी छोटी जो कंपनियों को उनको भी 30,000 करोड़ की विशेष लिक्विडिटी दी गई है, जो कि आप देखते हैं कि छोटे छोटे जो यानी कि मिनी ब्रांच जो होती हैं उनको फ़ायदा दिया गया है। और EPF के दायरे में जो उनको फ़ायदा दिया गया सैलरी बढ़ाने का। और बाकी यहाँ सारी जो आपको मैंने यहाँ पे लगा दिया टैक्स की ऑडिट छूट वगैरह सारे यहाँ पे फायदा दिया गया है। कुल मिला के यहाँ पे देखें तो 20 लाख जो करोड़ का जो फायदा है तो ये बहुत ही बड़ा यानी कि इक्विटी में यानी कि लिक्विडिटी बढ़ाने में फायदा दिया गया है सरकार की तरफ से। इसी के तहत मार्केट में आज भारी यहाँ पे उछाल देखने को मिला सुबह सुबह, और लास्ट में इसकी क्लोजिंग जो देखी है वो ठीक ठाक क्लोजिंग देखने को मिली है। आज के काम की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे किसी भी कोर्स में कोई स्टॉप लॉस नहीं आया है और आज 100% सभी कोर्स में प्रॉफिट देखने को मिला है। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इंडियाबुल्स हाउसिंग, इंडसइंड बैंक प्रॉफिट में एग्जिट, टाटा मोटर प्रॉफिट में एग्जिट, आपको यहाँ पे मैंने ये लिख भी दिया था। यहाँ देख सकते हैं अगर आप अभी मार्केट में बने रहते हैं तो दोस्तों वो रिस्क आप करेगा, क्योंकि मेरी तरफ से मैंने यहाँ पे पूरा काम करा दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कॉल रनिंग है वो उनको प्रॉफिट में एग्जिट कर लीजिए। बाकी और जो आपको गाइडलाइंस की आता है तो पूरा 3 कॉल जो प्रॉफिट में आती है 100% आपको प्रॉफिट करा दिया गया है। तो रिकेप आपको मैं फटाफट दिखा देता हूँ इसका, फटाफट आज का रिकेप ये देखिए दोस्तों, आज का रिकैप। आज एक्सिस बैंक का टारगेट 3 और 100% सक्सेसफुल, और उसके पास ICICI बैंक का टारगेट सक्सेसफुल, उसके पास इंडियाबुल्स हाउसिंग के ऑल टारगेट सक्सेसफुल, 140 तक टच किया, 134 का तीसरा टारगेट था। और यस बैंक भी देख सकते हैं प्रॉफिट में एग्जिट हुआ है। उसके पश्चात देख सकते हैं HDFC बैंक कॉल रिजेक्ट है, टाटा मोटर प्रॉफिट में एग्जिट करवा दिया, इंडसइंड बैंक आपको प्रॉफिट में एग्जिट करवा दिया। तो यहाँ पे देखिए आज 100% वेरी बिग प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। जो भी सीजन दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टेड व्हाट्सएप के माध्यम से दोस्तों जुड़ सकते हैं, मात्र एक छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करनी दोस्तों, पूरे मन दोस्तों आपको यहाँ फ्री सेवा आपको दी जाती है। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।